आज हम लोग चैप्टर 7 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नाम ही बता रहा है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यानी किसी रिपोर्ट को जनरेट करने की हम लोग बात करेंगे, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रिपोर्ट जनरेट करे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या है। तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि DEC और IBM मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाली रिपोर्ट निर्माण प्रोग्राम के रूप में हुई। तो हमने क्या देखा, अगर हम समझते हैं, नाम पे ही समझ जाते हैं कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रिपोर्ट को जनरेट करेगी। इसमें दो खास बात थी, ये थी कि जो डेक और IBM, ठीक है, डेक और IBM के किसमें, मिनी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मिनी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाली रिपोर्ट निर्माण प्रोग्राम, यानी इस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जो वहां पर रिपोर्ट जनरेट की बात करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका नवीनतम संस्करण, मतलब जैसे हर लैंग्वेज हो या सॉफ्टवेयर, उसके वर्जन्स आते हैं, तो अगर इसके नवीनतम संस्करण की बात करें, अगर लेटेस्ट की वर्जन की बात करें, तो विजुअल एज, ठीक है, विजुअल एज RPG, ठीक है, विजुअल RPG है IBM के प्रमुख मिनी सिस्टम AS400 पर आधारित है। आगे बात करते हैं, RPG संभवतः मिड रेंज कंप्यूटर पर व्यवसायिक अनुप्रयोगों मतलब कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कोबोल के बाद, अभी तक कमर्शियल के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोबोल के बाद दूसरी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी अगर अभी भी अगर कोबोल की बात करें तो बिजनेस के लिए कोबोल का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया। ठीक, एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे आते हैं, आइए उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो वह भाषा जिसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, वह लैंग्वेज जिसमें डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो हमने देखा था फोर्ट्रॉन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। आगे डिबगिंग है, तो डिबगिंग क्या है, हमने बताया था बग मतलब होता है एरर, और डिबग लग गया तो नहीं हटाना, तो डिबगिंग क्या है, प्रोग्राम में शामिल त्रुटियों यानी एरर को ज्ञात करने की प्रक्रिया। ठीक, डिबग ज्ञात भी करते हैं और हम उसको हटाते भी हैं, दोनों चीज को डिबग की बात करते हैं। भाषा में एरे है, तो एरे क्या है, अगर हम एरे की बात करें तो एरे एक डिराइव डेटा टाइप है। एरे क्या है, डिराइव डेटा टाइप है, या हम इसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा INT A, तो ये ए नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, अगर इसमें हमने ए बनाया या हमने आगे एक ले दिया 3, तो ये ए नाम का एक एरे बना देगा। अब इसमें 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, ठीक है, 0, 1 एंड 2, तो ये 3 एलिमेंट, तो एरे है क्या, एक्चुअल में ये एक डिराइव डेटा टाइप है। आगे बात करते हैं एरे प्रकार के होते हैं, तो एरे दो प्रकार के होते हैं, एक आपके सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे ये वाला हमने बताया, ये आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक है, एक के आगे एक डायमेंशन की हम बात करें। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से अधिक डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। आगे बात करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ करेक्टर, जैसे कि हमने कहा मेरा नाम रत्नेश है, तो RATNESH, तो R क्या है, करेक्टर है, और RATNESH क्या है, मिल के बनाएंगे स्ट्रिंग। अच्छा, ये तो ग्रुप ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन इसमें एक खास बात आपको ध्यान देनी होगी, अगर C की बात करें तो द ग्रुप ऑफ करेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर। अगर आपने स्ट्रिंग की बात की, अगर नल से टर्मिनेट नहीं किया, नल एक स्पेशल प्रकार का करेक्टर होता है, ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ करेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल होगा तभी हम उसे स्ट्रिंग कहेंगे, नहीं अगर टर्मिनेटेड बाय नल नहीं होगा तब वो ग्रुप ऑफ करेक्टर तो होगा, वो करेक्टर का एरे तो होगा, लेकिन हम उसे स्ट्रिंग नहीं कहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, ये लूप मतलब, देखो हम सभी लोग जानते हैं लूप का मतलब है कि बार बार चलाना, तो लूप है अनंत बार, इनफिनाइट टाइम्स, ठीक है, फॉर लूप इन करता है,
अगर फॉर लूप में करते हैं तो इनफिनाइट, मतलब वो तो आपके ऊपर है कि कितना बार लूप चलाना चाहते हैं। इनफिनाइट चलाना चाहते हैं तो इनफिनाइट चलेगा, कोई नंबर चलाते नंबर बार चलेगा। वह फंक्शन जो सभी सी प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है, तो हम सभी लेते हैं मेन, क्योंकि कोई भी सी का प्रोग्राम बिना मेन का रन नहीं कर सकता। और जब हम सी को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ही खोजता है, वो देखता है कि मेन फंक्शन लिखा कहाँ से गया सर, जहाँ मेन फंक्शन रहता है वहीं से वो प्रोग्राम रन करता है। आगे देखते हैं, वह पंक्ति जो सी भाषा को के प्रोग्राम में सी कंपाइलर द्वारा क्रियान्वित नहीं किया था, तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जो कि हम जो डिक्लेयर करते हैं, वह पंक्ति जो सी भाषा के प्रोग्राम में सी कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया था उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक, आगे SDLC का पूरा नाम, अगर SDLC की बात करें तो SD है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, SDLC। आगे बात करते हैं, एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आर्गुमेंट क्या होता है फंक्शन, जैसे हमने बताया कि हमने सम नाम का कोई फंक्शन बनाया। ठीक है, अब सम नाम के फंक्शन में यहां पे जितने हम वैल्यू पास करेंगे उसे बोलेंगे आर्गुमेंट। ठीक, तो कितना आर्गुमेंट हो सकता है, 127 आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। आगे, एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतकरण क्या है, पहले तो हमने आपको बताया था कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, जब किसी हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। लेकिन अगर उसी एल्गोरिथम को हम अगर ग्राफिकल की बात करें, पिक्चर की बात करें, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बात करें, तो उसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे है, जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा विकसित की गई प्रोग्रामिंग भाषा था, अभी हमने देखा पढ़ा भी था कि जेम्स गॉसलिंग ने किसको विकसित किया था, हाई लेवल लैंग्वेज जावा को विकसित किया था। ठीक है, आगे हम और देखते हैं।